बालजी महाराज दुर्गा महारानी। अरे तोरे सामने बैठे ये कौन महारानी? यहाँ की महारानी तो अलका है। अब हूँ अलका अलका गलत लगी पूरे गरीब गलका निकल गया। अरे यार यहाँ की महारानी अलका नहीं, महारानी दमयंती है ये, और महाराज दूसरी शादी करके ढेर आ रहे हैं, और यहाँ की राजमाता ये है महारानी अलका दासी हो गई। तुमका मिली इनका का मिली, हमारा भी फायदा होना चाहिए, हमका तो सस्ते में काम चला रही हूँ। तुम घबराओ नहीं सिपाही, इसका भी फायदा होना चाहिए, तुम्हारा फायदा होगा। तुम एक लोटा चाय पीछे तुम्हें दो लोटा चाय मिलेगा। नहीं चाय नहीं, अगर तुम जौन है धान धान तुम तो पचपन तो हमका मिले चाहिए। तुम राजा बनो, तुम रानी बनो, मंत्री हमका बनाओ। ठीक है, आज से ये काम पूरा हो गया, मैं तुझे अपना पद दे दूंगा। आने जाओ, तुम हमको अपना पद दे गो, उसी दिन जो हाल तुम महाराज का करोगे वही मैं तुम्हारा। हराम बन अगर नियत बदली तेरी तो समाज से पहले हम तुझे करवा चाल बिछा दिए गए थे, सिर्फ इंतजार है कि तेरे लाश की खबर आने की है। खबर जिस दिन आएगी उस दिन मेरे पिताजी को आत्मा की आजादी मिलेगी, मुझे बहुत बड़ी खुशियां मिलेगी। फिर देखो कौन कौन सा खेल खेलती हूँ, रानी और सेना पर अर्जुन को देखते जाओ कौन कौन सा खेल खेलती। अरे महारानी जी यही तो राज है, महाराज के लाश को तो लेकर इसलिए आया है कि जब हम लोग अभी हमारे जंगल में पहुंचे और महाराज जंगल में और धान बने अपने घोड़ियों का निशाना बना दिया, और उसी बीच सेना पर अर्जुन सिंह महाराज को खोते खोते ये हमारे जंगल पहुंच गया, और जब हम लोगों ने भेजा दिया लाश को लेकर भागना चाहा, हम लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महारानी उसे भेजा होगा, इसलिए महारानी और उनका बहुत बड़ा संबंध चल रहा है, हमको लगता है वो राजनीति के लिए भेजा होगा। समझो जैसे हमारा तुम्हारा चल रहा ना, अंदर ही अंदर जो हमारे के चल रहा है सेना पर के चल रहा है। और अंदर अंदर क्या चला था? एक काम करो तुम लेकर आओ, लेकिन एक बात है सेना पत्र हमारे पास ढोल रचो उसके सामने, हमने उसको फांसी में जकड़ लिया है, उसको सब लोगो की तुमने करवाया, हमने अरे क्या करवाया महाराज का खून ऐसा बोल ले आओ से। ये जो खंडार कैसे आंसू बहा रहा है ये कत्तार है, कत्तार कत्तार क्या है, कत्तार है महाराज।
देख रहे मेरा तो चीख गया से परेश सब कुछ बता दी कि वो मेरी माता है।
और मेरी माँ की तरफ से आप खाई तो मैं उसकी आंख लगा लूंगा। जो तूने खेल खेला है अपने खेल में कामयाब नहीं होगा। याद रख ये पंचर और ये दोस्तों नमस्कार। मुमताज अली भटनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भटनोसा चैनल के नाम से प्रचलित है, चल रहा है। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालें, सेकंड चैनल पर डालें, वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रोग्राम की। कल मैंने वीडियो में डाल करके आपको जानकारी पहुंचाया था कि दिनांक 1 मई दिन बुधवार को हमारा प्रोग्राम कपासी गांव में होगा जो कि अमेठी ज़िला में पड़ता है। हमारे आदरणीय नक्षेत्र प्रधान जी के यहाँ हमारा प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों आज 1 तारीख है, 1 मई है, दिन बुधवार है, तो आज हमारा प्रोग्राम अमेठी ज़िला के गांव कपासी में नक्षेत्र प्रधान जी के यहाँ होगा। गांव कपासी है, पोस्ट राजा मऊ, थाना जामो, ज़िला अमेठी। तो ये जानकारी तो मैंने कल आपको डाल करके दे दिया था, थोड़ा फिर से तरोताज़ा कर रहा हूँ, आपको अवगत करा रहा हूँ। लेकिन अब हम बात करेंगे कल की। दोस्तों कल आने वाले कल यानी 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम रायबरेली ज़िला में होगा। 2 मई दिन गुरुवार सन 2024 को रायबरेली ज़िले के अंदर एक गांव है फेरू का पुरवा है, पोस्ट जनई है, थाना महाराजगंज है, ज़िला रायबरेली है। हमारे घर मालिक आदरणीय दशरथ
त्यागी साहब हैं, उन्हीं के हमारी कंपनी का प्रोग्राम कल 2 मई दिन गुरुवार को होगा। दोस्तों ये दुसौती से आपको बंडी जाना होगा और बंडी जब पहुंचेंगे तो बाएं हाथ से आके 3 किलोमीटर जाएंगे तो ये फेरू का पुरवा मिलेगा और फेरू के पुरवा में ही प्रोग्राम होगा। तो आइए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉल करके रास्ते की जानकारी ले लेंगे। आराम से फेरू का पुरवा पहुँच करके कल भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम देख सकेंगे। तो नंबर है 8090-37-68-65, मतलब 8090-37-68-65 ये नंबर है। और दूसरा नंबर है 9643-25-83-11, मतलब 9643-25-83-11 ये नंबर है। दोनों नंबरों को नोट कर लीजिए, अगर कहीं आपको ज़रा सा भी दिक्कत हो रही है तो इसी नंबर पर कॉल करके रास्ते की जानकारी बराबर आप ले सकते हैं, सटीक जानकारी मिल जाएगी। और कल 2 मई दिन गुरुवार सन 2024 को गांव फेरू का पुरवा पहुंच करके भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा दिनांक 2 मई दिन गुरुवार, यानी कल के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप हमारे सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। धन्यवाद।